सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे हो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूबिक्स क्यूब की बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर। तो जो भी रूबिक सॉल्व सीखना चाहते हो, तो रूबिक्स क्यूब सॉल्व सीखने से पहले कुछ बातें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि नंबर वन कलर कॉम्बिनेशन, नंबर टू टाइप्स ऑफ पीसेस एंड नंबर थ्री नोटेशंस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलर कॉम्बिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पीसेस को लेकर, एंड नोटेशंस वाला वीडियो पार्ट टू में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सो नंबर वन कलर कॉम्बिनेशन। तो रूबिक्स क्यूब में टोटली सिक्स टाइप्स ऑफ कलर रहता है, जैसे कि व्हाइट, रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन एंड ब्लू। तो हमने जाना कि रूबिक्स क्यूब में टोटली सिक्स टाइप्स कलर रहता है, और एक बात नोटिस करना कि व्हाइट के पीछे हर वक्त येलो ही रहता है, एंड ग्रीन के पीछे हर वक्त ब्लू रहता है, एंड ऑरेंज के पीछे हर वक्त रेड रहता है। मतलब कि व्हाइट के ऑपोजिट कलर है येलो, ऑरेंज के ऑपोजिट कलर है रेड, एंड ब्लू का ऑपोजिट कलर है ग्रीन। तो ये बात ध्यान में रखो। तो हमने जाना कि एक रूबिक्स क्यूब में सिक्स टाइप्स ऑफ कलर रहता है, एंड व्हाइट के ऑपोजिट में रहता है येलो, ऑरेंज की ऑपोजिट में रहता है रेड, एंड ब्लू के ऑपोजिट में रहता है ग्रीन। नंबर टू टाइप्स ऑफ पीसेस। तो 3x3 रूबिक्स क्यूब में टोटली थ्री टाइप्स ऑफ पीसेस होता है। नंबर वन कॉर्नर पीस, जिसमें तीन कलर रहता है, देखो ब्लू, व्हाइट एंड ऑरेंज। नंबर टू एज पीस, जिसमें दो कलर होता है, ऑरेंज एंड व्हाइट। एंड नंबर थ्री सेंटर पीस, जिसमें एक कलर होता है। तो हमने जाना 3x3 रूबिक्स क्यूब में टोटली थ्री टाइप्स ऑफ पीसेस होता है। नंबर वन कॉर्नर पीस, जिसमें थ्री कलर होता है। नंबर टू एज पीस, जिसमें दो कलर होता है। एंड नंबर थ्री सेंटर पीस, जिसमें एक कलर होता है। एंड एक 3x3 रूबिक्स क्यूब में टोटली फोर सेंटर्स, एट कॉर्नर्स एंड 12 एज पीसेस होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर अपकमिंग ट्यूटोरियल्स वीडियोज। टाटा, गुड बाय।